हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं? मैं दीपक शर्मा अचीवर्स के रेनिंग शूट के ऑनलाइन चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम ब्लैक बॉडी रेडिएशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और प्लांक्स क्वांटम थ्योरी के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। लास्ट लेक्चर में अपन ने डिस्कस किया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी और उसका लिमिटेशन। उसके लिमिटेशन में ही हमारे सामने टर्म आई थी ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और आपका डिपेंडेंस ऑफ एनर्जी ऑन नेचर एंड टेम्परेचर, ये अपन ने डिस्कस किया था, ठीक है। तो अब अपन बात करते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन की। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि ब्लैक बॉडी होती क्या। ब्लैक बॉडी मतलब ब्लैक कलर से रिलेटेड नहीं है, कोई भी बॉडी जो सारे टाइप के रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर सकती है और सारे टाइप के रेडिएशन को इमिट कर सकती है, उसको अपन क्या बोलते हैं? ब्लैक बॉडी बोलते हैं। तो आपसे अगर कोई पूछता है कि ब्लैक बॉडी क्या होती है, ब्लैक बॉडी, ठीक है, क्या होती है? द बॉडी विच कैन एब्सॉर्ब एंड इमिट, विच कैन एब्सॉर्ब एंड इमिट ऑल टाइप ऑफ रेडिएशन, all type of radiation are known as black body radiation, ठीक है। उसके बाद are known as black body, ठीक है। अब बात कर रहे हैं किसकी? black body radiation की। black बॉडी रेडिएशन, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ठीक है। ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होता है? द रेडिएशन प्रोड्यूस बाय ब्लैक बॉडी इज नोन एज ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ठीक है। अब अपन बात करते हैं इस तरह से लिखें, अकॉर्डिंग टू ईएम वेव थ्योरी the energy of radiation depends on intensity or square of amplitude does not depends on frequency or wavelength means on increasing energy or temperature, color of radiation should not change, but it is observed that on increasing temperature, the color of body change from red to yellow, then blue, and finally white, and intensity
सिटी वेरी विथ वेवलेंथ एंड टेम्परेचर। देख ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होता है, पहली बार तो आपको ब्लैक बॉडी समझ में आ गई क्या होती है। ऐसी बॉडी जो सारे टाइप के रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर सकती है और सारे टाइप के रेडिएशन को एमिट कर सकती है, उस बॉडी को अपन क्या बोलते हैं, ब्लैक बॉडी। ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होती है, रेडिएशन इमिटेड बाय ब्लैक बॉडी इज नोन एज ब्लैक बॉडी रेडिएशन। अब अगर अपन ईएम मैक्सवेल की माने, ईएम वेव थ्योरी को माने, तो उसमें क्या था कि जो एनर्जी होती है ईएम वेव की वो किस पर डिपेंड करती है, इंटेंसिटी ऑफ वेव पर डिपेंड करती है, यानी आपका एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ पर डिपेंड नहीं करती। ठीक है, मतलब कि आप अगर एनर्जी बढ़ाओगे टेम्परेचर बढ़ाओगे तो कलर ऑफ रेडिएशन चेंज नहीं होने चाहिए। जबकि अपन देखते हैं किसी भी चीज को अपन हीट करते गर्म करते तो पहले वो क्या होता है, लाल, फिर पीला, फिर नीला और फिर एकदम से क्या हो जाता है, सफेद हो जाता है। मतलब आपका कलर चेंज हो रहा है, कलर कब चेंज होता है, जब उसकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ चेंज होती है। तो एनर्जी फ्रीक्वेंसी और कलर और वेवलेंथ पर डिपेंड कर रहे हैं, इनका कहने का मतलब ये है। ग्राफिकल वेरिएशन अगर अपन देखते हैं किसका, इंटेंसिटी का, इंटेंसिटी या एनर्जी का, ठीक है, किसके साथ, वेवलेंथ के साथ। ठीक है, तो क्या होता है, वेवलेंथ बढ़ाने पर पहले बढ़ता है, पीक वैल्यू के बाद वापस से कम हो जाता है, ये T1 टेम्परेचर। T2 टेम्परेचर पे ये ग्राफ और ऊपर तक जाएगा और जो वेवलेंथ का जो मैक्सिमम वैल्यू होती है जिस पर वेवलेंथ होता है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, और कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है, ये T2 हो जाएगा और T2 क्या है, ग्रेटर देन T1 है। तो ये वेरिएशन हो जाता है इंटेंसिटी का टेम्परेचर के साथ। अब ये ऐसा क्यों हुआ, ये मैक्सवेल एक्सप्लेन नहीं कर पाए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाए। ठीक है, तो ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन हो गया। अब अपन बात करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। When light of certain minimum frequency bracket में लिख लेना threshold frequency fall on metal surface then electron are emitted from it, these electron are known as photo electron and this phenomena is known as photoelectric effect। ठीक है, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, जब
लाइट होती है किसकी, सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी की, उससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी तो भी होगा, लेकिन इससे एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी नहीं होनी चाहिए, उससे ज्यादा कितनी भी हो सकती है। तो एक पर्टिकुलर मिनिमम फ्रीक्वेंसी से ज्यादा फ्रीक्वेंसी की लाइट किसी मेटल पे जब पड़ती है तो वो मेटल क्या करती है, इलेक्ट्रॉन को एमिट कर देती है, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन एमिट होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन। और इस फिनोमिना को हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। यानी आपका ये आपने क्या ले ली, मेटल सरफेस ले ली, ये यहां पर आपका रेडिएशन इंसिडेंट हुआ, और इस रेडिएशन की जो फ्रीक्वेंसी है न्यू वो क्या है, सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी यानी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होती है, ठीक है। तो ये इसके बाद ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, यहां से इलेक्ट्रॉन इमिट हो जाएंगे। इन इलेक्ट्रॉन को क्या बोलेंगे, फोटो इलेक्ट्रॉन बोलेंगे, क्या बोलेंगे, फोटो इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। और इस फिनोमेना को क्या बोलेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलेंगे, ठीक है। यहां पर कुछ टर्म आती है, जैसे सबसे पहली टर्म आती है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी द मिनिमम मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट बिलो विच फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन डज नॉट टेक प्लेस, या द मिनिमम फ्रीक्वेंसी अबव विच फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन टेक्स प्लेस डज नॉट, अभी यहां पर डज नॉट टेक प्लेस, ठीक है। बिलो विच फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन नहीं होगा, उसके ऊपर फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन होगा, डज नॉट टेक्स प्लेस इज नोन एज, इज नोन एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और द मिनिमम फ्रीक्वेंसी, द मिनिमम फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी अबव विच, अबव विच फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन इमिशन टेक्स प्लेस, टेक्स प्लेस इज नोन एज, इज नोन एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है, द मिनिमम फ्रीक्वेंसी अबव विच फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन टेक्स प्लेस, या द मिनिमम फ्रीक्वेंसी बिलो विच फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन डज नॉट टेक्स प्लेस इज नोन एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। इसको डिनोट किससे करते हैं, यहां पर ले लेता हूं एट, यहां पर लिख देता हूं, यहां लिख देता हूं, इट इज डिनोटेड बाय, डिनोटेड बाय न्यू जीरो, थ्रेशोल्ड के लिए न्यू जीरो लगा दीजिए, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हो जाती है, ठीक है। इसके बाद अपन बात कर लेते हैं थ्रेशोल्ड वेवलेंथ की, किसकी बात कर लेते हैं बेटा, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ की बात कर लेते हैं, किसकी बात कर लेते हैं, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ की बात कर लेते हैं, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या होती है, ठीक है। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, वेवलेंथ तो आपको वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी में रिलेशन बताया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के लिए, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, लैम्डा बराबर सी अपॉन एफ। तो अगर ये मिनिमम है तो ये मैक्सिमम हो जाएगी, और ये मैक्सिमम है तो ये मिनिमम हो जाएगी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, द मैक्सिमम, द मैक्सिमम वेवलेंथ, वेवलेंथ ऑफ लाइट, लाइट अबव विच, उल्टा होगा,
इसमें अबव फोटोइलेक्ट्रिक इमिशन होता था, इसमें अबव पर इमिशन नहीं होगा। अबव विच फोटोइलेक्ट्रिक इमिशन डज नॉट टेक्स प्लेस, मतलब इससे ज्यादा वेवलेंथ होगी तो फोटोइलेक्ट्रिक इमिशन नहीं होगा, टेक्स प्लेस। ठीक है, और बोल सकते हैं, और करके लिख सकते हैं, द मैक्सिमम वेवलेंथ बिलो विच फोटोइलेक्ट्रिक इमिशन takes place are known as threshold wavelength। ठीक है, इसको डिनोट किससे कहते हैं, इट इज डिनोटेड बाय लैम्डा जीरो, और लैम्डा जीरो बराबर सी अपॉन न्यू जीरो, या न्यू जीरो बराबर सी अपॉन लैम्डा जीरो। ये हो गया रिलेशन किसमें, थ्रीशोल्ड वेवलेंथ और थ्रीशोल्ड फ्रीक्वेंसी में। ठीक है, अगली टर्म आती है वर्क फंक्शन। अगली हेडिंग आती है क्या, वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन ये क्या बोलता है, द मिनिमम एनर्जी ऑफ लाइट विच इज रिक्वायर्ड फॉर फोटोइलेक्ट्रिक इमिशन इज नोन एज वर्क फंक्शन। ठीक है, आप इलेक्ट्रॉन क्यों इमिट हो रहे हैं, एनर्जी दे रहे हो इसलिए इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहे हैं, तो कम से कम कितनी एनर्जी दोगे कि इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे, उससे कम एनर्जी दोगे तो इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं देंगे, ज्यादा दोगे तो इलेक्ट्रॉन इमिट हो जाएंगे। तो द मिनिमम एनर्जी ऑफ लाइट विच इज रिक्वायर्ड फॉर द फोटोइलेक्ट्रिक इमिशन इज नोन एज वर्क फंक्शन, इट इज डिनोटेड बाय फाई और डब्ल्यू जीरो, या तो फाइव से नोट करते हैं या डब्ल्यू जीरो से डिनोट करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, अब वैसे जो रिलेशन होता है वर्क फंक्शन और फ्रीक्वेंसी में, वो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी से आता है, लेकिन मैं आपको पहले ही बता देता हूं यूज होगा। ठीक है, तो वर्क फंक्शन इज गिवन बाय फाई बराबर एच न्यू जीरो। ठीक है, तो फाई तो क्या है, वर्क फंक्शन, एच क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट जिसकी वैल्यू क्या होती है, 6.6 × 10⁻³⁴ जूल सेकेंड। ठीक है, एच की वैल्यू क्या होती है, 6.6 × 10⁻³⁴ जूल सेकेंड। ठीक है, उसके अलावा म्यू जीरो क्या है, थ्री सोल्ड फ्रीक्वेंसी। अच्छा, म्यू जीरो को लैम्डा में कन्वर्ट कर रहा है, तो फाई बराबर एच
न्यू जीरो को क्या लिख सकते हैं, सी अपॉन लैम्बडा जीरो, ठीक है। अच्छा सी की एच की वैल्यू बता दी, सी की वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब ये किस में आएगा, जो आंसर आएगा अगर लैम्बडा को मीटर में रखोगे और सी को यही रखोगे, एच की वैल्यू ये रखोगे, तो ये आंसर आएगा जूल में। कई बार इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना पड़ता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 × 10⁻¹⁹ जूल, और 1 जूल बराबर 6.25 × 10⁻¹⁸ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। अब अगर मैं वेव लेंथ को, चलो इतना याद रख लो, बाकी फिजिक्स में और कन्वर्जन में बताऊंगा कि अगर वेव लेंथ को किस में रखता हूं, आपका एंगस्ट्रॉम में रखता हूं, तो आपका जो फाय बराबर हो जाता है वो 1241 अपॉन लैम्डा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा इफ लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम, अगर लैम्डा एंगस्ट्रॉम में होगा तो फाय की वैल्यू ये हो जाएगी, ठीक है। तो ये चीजें आपकी पूछी जाती, लेकिन अभी इस पर फोकस मत करो, जब ये में आपको 12th क्लास में पढ़ाएंगे तो अच्छे से ये सारे रिलेशन करवा दिए जाएंगे, कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। अभी तो आपको वैल्यू रख के सॉल्व करना है, तो ये आपका ये रिलेशन आपको याद रखना है, ठीक है। वर्क फंक्शन का ये फॉर्मूला याद रखना है, वर्क फंक्शन का ये फॉर्मूला याद रखना है, h की वैल्यू आपको याद रखनी है, ठीक है। तो ये चीज हो जाती है फोटोइलेक्ट्रिक इमिशन, ठीक है। अब इस फोटोइलेक्ट्रिक इमिशन को भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी, ठीक है। तो कई सारे ऐसे फिनोमिना हो गए जिनको ईएम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी या मैक्सवेल की ईएम वेव थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। तो उसके बाद एक और नई थ्योरी आती है जिसको अपन क्या बोलते हैं, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी बोलते हैं। अगली हेडिंग आपकी आती है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी नो बॉडी इमिट और एब्सॉर्ब एनर्जी कंटिन्यूअसली बट इट इमिट और एब्सॉर्ब एनर्जी discretely in the form of small packets known as quanta, ठीक है। क्या होता है, इन्होंने ये बोला था कि जैसे मैक्सवेल ने क्या बोला था कि कोई भी जो बॉडी है वो एनर्जी को इमिट और एब्सॉर्ब जब करती है वो कंटिन्यूअसली इमिट करती है और कंटिन्यूअसली एब्सॉर्ब करती है। इन्होंने उसका उल्टा बोला, इन्होंने साफ मना कर दिया भाई कोई भी बॉडी, ठीक है, एनर्जी को ना तो कंटिन्यूअसली इमिट करती है ना ही कंटिन्यूअसली एब्सॉर्ब करती है, बल्कि डिस्क्रीटली इमिट
कहती है और डिस्क्रीटली एब्जॉर्ब करती है, ठीक है। और किसके फॉर्म में इमिट करती है, एब्जॉर्ब करती है, स्मॉल पैकेट के फॉर्म में इमिट करती है और एब्जॉर्ब करती है, जिनको क्या बोलते हैं, क्वांटम बोलते हैं। इन केस ऑफ लाइट, इन केस ऑफ लाइट दीस क्वांटम आर नोन एज फोटोन, ठीक है। लाइट के केस में अगर बात करते हैं, इन क्वांटम को क्या बोला जाता है, फोटोन बोला जाता है, ठीक है। इन केस ऑफ लाइट दीस क्वांटम आर नोन एज फोटोन, ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या बोलता है, द एनर्जी ऑफ ईच क्वांटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, ठीक है। फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, जो क्वांटम प्रोड्यूस हो रहे हैं या एब्जॉर्ब हो रहे हैं, उसकी जो एनर्जी होती है उस रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो ई प्रोपोर्शनल टू न्यू, जब भी प्रोपोर्शनलिटी का साइन आता है तो क्या आता है, कांस्टेंट आ जाता है। तो ई बराबर एच न्यू, वेयर एच इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, ठीक है, नोन एज प्लांक्स कांस्टेंट, ठीक है। यहां पर एच प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, जिसको अपन प्लांक्स कांस्टेंट बोले। एच की जो वैल्यू होती है, इधर लिख देता हूं, एच बराबर होता है 6.6 इंटू 10^-34 जूल सेकंड, ये एच की वैल्यू हो जाती है, ये सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट की बात करें इसी थ्योरी का, थर्ड पॉइंट क्या बोलता है, द टोटल एनर्जी इमिटेड और एब्सॉर्ब, बाय बॉडी इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एनर्जी ऑफ फोटोन। तो आपका ई टोटल बराबर क्या हो जाएगा, एन एच न्यू। अच्छा, एच न्यू को एच सी अपॉन लैम्डा भी लिख सकते हैं, स्टार करके लिख लेना, ई बराबर एच न्यू बराबर एच सी अपॉन लैम्डा, ठीक है। यहां पर एन क्या है, कितने फोटोन है। अगर कोई बॉडी केवल एक ही टाइप के रेडिएशन इमिट करेगी तो टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी, एन एच न्यू। अच्छा, एनर्जी इमिट पर सेकंड पूछा, तो नंबर ऑफ फोटोन इमिटेड पर सेकंड ये हो जाएगा, और बाकी एच न्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे। या पावर पूछ लेंगे तो पावर वो कहीं वही होती है एनर्जी इमिटेड पर सेकेंड, तो यहां पर एन नंबर ऑफ फोटोन इमिटेड पर सेकेंड एच न्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये होती है आपकी क्या, प्लांक्स क्वांटम थ्योरी होती है, ठीक है। ये थ्योरी कई फिनोमिना को एक्सप्लेन करने में हेल्पफुल रही, ठीक है। तो कौन कौन से फिनोमिना को हेल्पफुल रही, पहला एक्सप्लेनेशन ऑफ ब्लैक
बॉडी रेडिएशन, एक्सप्लेनेशन ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन. व्हेन डिफरेंट एनर्जी प्रोवाइडेड टू बॉडी देन नंबर ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल इन बॉडी चेंजेस ड्यू टू विच फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन एंड कलर ऑफ बॉडी आल्सो चेंज. ठीक है, आप अलग अलग एनर्जी दोगे तो जो पार्टिकल का जो वाइब्रेशन है उसकी रेट भी क्या हो जाएगी, चेंज होगी. कभी ज्यादा वाइब्रेशन करेंगे, कभी कम वाइब्रेशन करेंगे. तो जैसे वाइब्रेशन कर रहे हैं वैसे फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी. तो कलर भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा. तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन को ये अच्छे से एक्सप्लेन कर पाए. ठीक है, उसके बाद एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट व्हेन लाइट ऑफ frequency mu fall on metal surface such that mu is less than mu zero, then E is less than H nu zero or E is less than phi, then no photoelectric emission takes place. मतलब अगर आपका क्या होता है, कोई लाइट जिसकी फ्रीक्वेंसी थ्रीशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम हो, मतलब कि एनर्जी क्या हो जाएगी, एच न्यू कम हो जाएगी. किससे? एच न्यू जीरो से. तो आपका जो ई है वो कम हो गई किससे, वर्क फंक्शन से. मतलब आपका लाइट जिसकी एनर्जी वर्क फंक्शन से कम है या फ्रीक्वेंसी थ्रीशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है, वो अगर मेटल पे पड़ रही है तो कोई फोटोइलेक्ट्रिक इमिशन नहीं होगा. ठीक है, बट इफ light of frequency nu greater than nu zero means h nu greater than h nu zero or h nu greater than phi fall on metal surface, then electrons are emitted from metal surface then a part of energy is used as work function
फोर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड रिमेनिंग पार्ट इज इम्पार्टेड टू इलेक्ट्रॉन एज काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी टोटल रेडिएशन की जो एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, एच इन बराबर हो जाएगी किसकी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के ई मैक्स प्लस फाइव के। ठीक है, तो यहां से के ई मैक्स क्या हो जाएगा, एच न्यू माइनस फाइव। ठीक है, के ई मैक्स को आप क्या लिख सकते हो, हाफ एम वी स्क्वायर। वी क्या है, वी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, एच न्यू माइनस फाइव। ठीक है, तो और इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं क्या, वन बाय टू एम वी स्क्वायर बराबर एच न्यू माइनस एच न्यू जीरो, फाइव तो हो जाएगा एच न्यू जीरो, तो वन बाय टू एम वी स्क्वायर। ये कौन सा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है बेटा, याद रखना कौन सी मैक्सिमम काइनेटिक, एच कॉमन आ जाएगा, न्यू माइनस न्यू जीरो हो जाएगा, ये काइनेटिक एनर्जी और इसमें रिलेशन हो जाता है। या तो सबको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर लेना या सबको जूल में कन्वर्ट कर लेना, फिर सॉल्व करना, आधा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आधा जूल में नहीं चलेगा। अब अगर अपन ग्राफ बनाते हैं किसमें, काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी में, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी में, तो जब तक न्यू जीरो के बराबर नहीं हो जाती तब तक आपकी काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी, जीरो। कब जीरो रहेगी, तब न्यू जीरो के बराबर नहीं हो जाती, उसके बाद आपका ये स्ट्रेट लाइन फॉलो करेगी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो है लेकिन रेशियो में आप डायरेक्ट नहीं लगा सकते कि इसको जितना मतलब इसको डबल किया तो ये डबल हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, इसको डबल करोगे तो बढ़ेगी लेकिन डबल नहीं होगी, उसको आपको सॉल्व करके निकालना पड़ेगा, न्यू जीरो को कैंसिल करके निकालना पड़ेगा। ठीक है, और नेगेटिव साइड में ये क्या हो जाएगी, माइनस, जब फ्रीक्वेंसी जीरो होगी तो माइनस एच न्यू जीरो के बराबर हो जाएगी। तो ये काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ हो गया। वेवलेंथ के टर्म में अगर जाओगे तो आपको क्या हो जाएगा, वन बाय टू एम वी मैक्स का स्क्वायर बराबर एच न्यू की जगह सी अपॉन लैम्डा माइनस सी अपॉन लैम्डा जीरो, तो वन बाय टू एम वी मैक्स का स्क्वायर। मैक्सिमम वेलोसिटी भी निकाल सकते हो अगर आपको मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो पता ही है, 9.1 × 10⁻³ किलोग्राम, तो ये एच सी कॉमन आ जाएगा, वन अपॉन लैम्डा माइनस वन अपॉन लैम्डा जीरो। ठीक है, ये आपको एक्सप्लेन कर दिया किसको, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को। इस इक्वेशन को आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन भी कहते हैं, फिजिक्स में अपन पढ़ेंगे, लेकिन अभी आपको फॉर्मूला याद रखना है, इन पर न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा आपका क्या, ब्लैक बॉडी क्या होती है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, ठीक है, थ्रीशोल्ड फ्रीक्वेंसी वर्क फंक्शन, थ्रीशोल्ड वेवलेंथ, ठीक है, उसके उनमें रिलेशन। उसके बाद आपने पढ़ा प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी से अपन ने ब्लैक बॉडी रेडिएशन का एक्सप्लेनेशन पढ़ा, फोटोइलेक्ट्रिक इमिशन का एक्सप्लेनेशन पढ़ा, और आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन पढ़ी, इन पर न्यूमेरिकल आता है। ठीक है, अब आपको मैं बताऊंगा क्या आपके टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम, इनके न्यूमेरिकल आपको प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है, इसके बाद मैं आपको टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम बताऊंगा, इमिशन स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम थ्योरेटिकली बताऊंगा, लिखवाऊंगा नहीं, केवल समझा दूंगा। ठीक है, उसके बाद आपका आएगा बोर्स एटॉमिक मॉडल, उसकी लिमिटेशन, उसके एप्लीकेशन, और आगे अपन धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे। तो जितना आज पढ़ा इनको एक बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे, कोई चीज अगर नहीं आती है, डाउट रहता है, तो बिल्कुल आप मेरे से बेझिझक पूछ सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। ठीक है, और
दिक्कत आती है तो कभी भी आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं।